नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ मासुम्बा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सावधान यूपी, और आज हम बात करेंगे प्रदेश में बेखौफ बदमाशों की, क्योंकि इस बार बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगा दिया है। वहीं बिजनौर से एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के बारे में आपको बताएंगे जिसने शादी के पवित्र बंधन को तार तार कर दिया है, जिसके लिए शादी एकमात्र खेल है। इसके बाद सावधान यूपी में बस्ती से आई कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी जो हर बुजुर्ग माँ बाप के लिए सावधान रहने की अपील करेंगी, क्योंकि यहाँ एक बेटे ने कुछ ऐसा किया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही बुलंदशहर से हादसे को दस्तक दे रही उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की रोडवेज बसों से आपको सावधान कराएंगे, जो कभी भी आपको हादसे का आमंत्रण दे सकती है। तो चलिए आपको तमाम ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिन्हें देखकर आप सतर्कता बरते, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आप हर पल सावधान रहें। गाजियाबाद के मोदी नगर में बेटियों के अपहरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार यूपी पुलिस में कार्यरत एक दारोगा की बेटी का अपहरण हुआ, जिसके बाद पीड़ित खाकीधारी का परिवार ही मोदी पुलिस पर लापरवाही के सवाल पे खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। फिल्म जिला गाजियाबाद में गाजियाबाद की हालत को दर्शाने के बाद अब जिले में अपराध की असलियत भी सामने आने लगी है। ताजा मामला है गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र का। जहां मेरठ में तैनात दारोगा की नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया। दारोगा की बेटी अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित परिवार की माने तो एक महीने पहले उनकी लड़की जब ट्यूशन गई थी तो वहीं उसका अपहरण हो गया। पहले तो उन्होंने खुद छानबीन की, मगर जब बेटी नहीं मिली तो मामले को थाने में दर्ज कराया गया, मगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर नामजद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वही लड़की की मां ने बताया कि पुलिस किसी तिलकधारी पंडित के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना वो पंडित है, पंडित है तिलक लगा के रहता, ना वो कोई कार्रवाई करने दे रहा। नाम तो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, पर वो कार्रवाई नहीं होने दे रहा। अच्छा, वही रहता हूँ 24 घंटे पुलिस वालों को दौड़े। ऐसा कहा मैं एक लड़की पर नाम की पर। अच्छा, हाँ, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। नहीं जी, कर रहे हैं, बुला में और भेज दे टीचर है। एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रही है, लेकिन परिवार के लोग जब इस नारे को अमल में लेकर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो खाकी वाले की बेटी का ही अपहरण हो गया। ऐसे में पीड़ित के परिवार का कहना है कि जैसे नीलम के अपहरण के बाद हत्या हो गई थी और अब तक उसके हत्यारे भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं, आशंका है कि पुलिस की लापरवाही के चलते उनकी बेटी की भी जान नीलम की तरह ना चली जाए। सर 29 दिन हो गए आज, हफ्तों से तो शनिवार को एक महीना हो चुका है, मगर तारीख 27 तारीख से गायब है लड़की की। हमने 3 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके बाद तो पुलिस प्रशासन ने करा थी थोड़ी कार्रवाई की, सभी लड़के उठाए, लड़के सभी घर पे पाए गए, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसके बाद मामला ऐसे ठंडा सा हो गया, अब तो कुछ भी किसी का यूं ही नहीं पता चल रहा कि लड़की को कहीं ढूंढा जा रहा है या ना। हमारी पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, जब पुलिस वाले की जो हमारे बेटी है वो बड़े भाई साहब जेठ हैं पुलिस में है, तो उनकी लड़की सुरक्षित नहीं तो हम आम लोगों की क्या है, बताओ आप। और एक दूसरे नंबर लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सरकार कहती रहती है, पर जब बेटियां पढ़ने भेज रहे हैं ट्यूशन से लड़कियां ऐसे गायब हो रही हैं तो कैसे सुरक्षित है आप बताइए।
और वो क्या कहते हैं ट्यूशन पढ़ रही है, लड़की वहीं से गायब होगी, पुलिस कह रही है जी लड़की चली गई फलाना। अरे आप ये तो बताओ, जिंदा है मुर्दा है, कहीं तो कहीं ऐसे धरती निकल गई, आसमान निकल गया, बेटी को कहाँ चली गई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो दुखी है। इससे हमारी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कह रहे तो बात को आगे बढ़ाओ और बेटी को हमारी ढूंढने में ज्यादा से ज्यादा मदद करो। एक महीने से परिवार के लोग अपनी बेटी को खोजने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो बेटी को खोजने के लिए खुद दारोगा ने मीडिया के सामने गुहार लगाई है। वहीं इस मामले पर हमने मोदी नगर के विधायक से बात की तो उनका कहना है कि ये मोदी नगर का दुर्भाग्य है कि लगातार बेटियों का स्कूल और ट्यूशन से अपहरण हो जाता है। क्षेत्र में बढ़ रहे बेटियों के अपहरण और बाद में हत्या के मामले की डीजीपी से भी शिकायत की गई है। वही विधायक ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए मंचलों पर कार्रवाई में कोताही न करने का आरोप लगाया है। मेरे भी संज्ञान में ये है और मैं अभी दो दिन पहले ही लखनऊ से आई हूँ, आज भी मैं सीओ से इसी बारे में बात करूंगी 1 बजे के करीब कि जो ये बच्चियां गायब हुई हैं और इसमें पुराने वाले भी जो मर्डर हुआ था उसमें ट्रेस नहीं हो पाए हैं कि वो लड़के नीलम हत्या कांड भी नहीं खुल पाया, वो भी नहीं खुल पाया है, तो उसमें भी क्या तेजी आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन थे अभियुक्त, कुछ पता लगा या नहीं लगा। और खासतौर से ये जो बच्ची हमारी अब गायब है इसको जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाला जाए कि पुरानी जो घटनाएं हो रही हैं उससे वैसे ही शहरवासी बहुत परेशान है। मैं खुद महिला होने के साथ साथ बहुत परेशान हूँ इन घटनाओं से कि ये इस समय में जल्दी जल्दी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित ही डीजीपी ऑफिस से कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और पुलिस के काम करने की शैली में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमारी सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका यही कहना है कि बेटियों को पढ़ाओ भी और बचाओ भी। लेकिन बदकिस्मती से मोदी नगर में पिछले 6 महीनों में लड़कियों के गायब होने का कांड रहा और उसका जो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा, बाद में पुलिस वाले जो है उनको ढूंढ के नहीं ला पाए और इसमें मैंने डीजीपी ऑफिस में भी। वहीं इस मामले पर पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की कई टीमों को लड़की की तलाश में लगाया गया है, जल्दी लड़की को बरामद भी कर लिया जाएगा। उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, निरंतर प्रयास कर रही हैं और शीघ्र ही बरामद कर लिया गया। बहरहाल मामला सामने आने के बाद अब पुलिस भी लड़की को बरामद करने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर उनकी खाकी वाला लापरवाही का आरोप लगा रहा है और बता रहा है कि पहले भी पुलिस ने ऐसे दावे किए मगर पुलिस लड़कियों की लाशें ही खोज कर लाती है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शादी पवित्र बंधन होता है पर किसी किसी के लिए शादी एकमात्र खेल बराबर होता है। जी हाँ, पुलिस थाने में खड़ी महिला जिसने शादी को खेल बना रखा है, ये है बिजनौर की लुटेरी दुल्हन। इसका काम है शादी और फिर उस घर की बर्बादी, ये हम नहीं कह रहे, इस महिला की करतूत बयां कर रही है। ये पहली तो शादी करती है, फिर उसके बाद ज्वेलरी समेत नकदी लूट कर रफू चक्कर हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर की लुटेरी दुल्हन, शादी कर घर लूटने वाली दुल्हन, फिर शादी का हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के बाद दुल्हन के हाथ की सफाई। थाने में खड़ी ये महिला कौन है जिसने पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा रखा है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो महिला इतना हंगामा कर रही है? साथ ही पुलिस वालों के सामने खुद को मारने तक का ड्रामा कर रही है। तो सुनिए, ये है लुटेरी दुल्हन। बरेली की रहने वाली है
इस महिला का नाम है नेहा, जिसकी 14 फरवरी को बिजनौर के देवेंद्र नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। लेकिन शादी के 3 दिन के अंदर ही इस महिला ने अपने ससुराल वालों को एक रात खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद नेहा घर से ज्वेलरी समेत हजारों की नकदी लेकर फरार हो गई। जब घर वालों ने सुबह दुल्हन की तलाश की तो उसका कोई अता पता नहीं था। शादी कब हुई थी इसके साथ तुम्हारी? 16 तारीख। फिर ये भाग क्यों गई? मेरे काम भेजते। अच्छा, मैं चला गया घर से। कुछ पैसे वैसे जेवर वेवर भी ऐसे? सामान ले गई। कितना? क्या सामान ले गई? वही ससुराल वालों ने थाने में दुल्हन के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन नेहा बीती शाम अचानक स्थानीय पुलिस चौकी जाटान पहुंच गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार को फरार दुल्हन के चौकी में पहुंचने की सूचना मिली तो परिवार चौकी पहुंचा और चौकी पहुंचने के बाद नेहा ने जमकर हंगामा किया। जिसके चलते चौकी के बाहर भीड़ जमा हो गई और हंगामे की वजह से पीड़ित पति की मां बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कब हुई थी शादी? कहाँ की रहने वाली हो? आगे क्यों थी? परेड कर रही हूँ शक्ति चौराहे में, कप्तान साहब आ गए। शादी हुई, शादी के 3 दिन बाद क्यों भागी? अरे नहीं, मुकदमा लिखो। बोलो, हो गया बस। इतना ही नहीं, लुटेरी दुल्हन देखिए किस तरह से पुलिस के सामने ही अपने पति देवेंद्र की पिटाई भी कर रही है। उसका ड्रामा यहीं बंद नहीं हुआ। उसने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए थाने में गले में दुपट्टा डालकर फांसी लगाने का खूब ड्रामा किया। किसी तरह पुलिस ने उसके गले से दुपट्टा निकाला, इसके बाद भी उसका ड्रामा खत्म नहीं हुआ। कभी ये मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की धमकी देती तो कभी मीडिया के लोगों को गाली देने लगती। कई बार उसने मीडिया कर्मियों से मारपीट की कोशिश के साथ कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की। कोतवाली सिटी में ओमवती वादिया के रूप में उन्होंने तहरीर देखी, उनके पुत्र को वंचना पूर्वक धोखे के साथ विवाह के उसमें पाश में फंस के उसका फिर उसके घर में चोरी की और भाग गई। इस संदर्भ में उनकी तहरीर पर जो भी उसमें घटक तत्व थे उसके आधार पर 420-406 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन करते विवेचना हो। ऐसे तथ्य लोग बता रहे हैं लेकिन अभी वो अपुष्ट हैं, विवेचना की प्रक्रिया के दौरान देखा जाएगा पुष्टि होगी तो। बहरहाल पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक भोले भाले लोग ऐसी लुटेरी दुल्हन के शिकार बनते रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट। बस्ती से कलयुगी बेटे का हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पिता और बेटे के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जब घर में बेटे का जन्म होता है तो पिता न जाने कितने सपने देख लेता है
और जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है पिता अपने बेटे के अंदर अपने सपनों को साकार करने के लिए जीने लगता है और अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर अपनी हर खुशियों को खत्म कर देता है। लेकिन जब वही बेटा पिता के साथ कुछ ऐसा कर जाए तो बाप के सभी सपने धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा एक मामला हम आपको दिखाएंगे जिसने पिता और बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है। कलयुगी बेटे की करतूत, बेटे ने पिता पर किया हमला, पिता पर धारदार हथियार से किया वार। एक पिता तमाम तरह की अपनी खुशियों का गला घोटकर अपने बेटे के लिए हर सुख सुविधा मुहैया कराता है, लेकिन जब वही बेटा बुढ़ापे में दरिंदगी की हदों को पार कर जाए तो आखिर बुजुर्ग पिता जाए तो कहां जाए। ऐसा ही हैरत अंगेज करने वाला मामला बस्ती से सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग रामदेव मिश्रा, जो कि रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अपने बेटे जगदीश मिश्रा के परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन शनिवार को बुढ़ापे की वजह से रामदेव अपने कमरे से नहीं निकल पाए और उन्होंने कमरे में ही शौच कर दी, जिसकी वजह से बेटा नाराज हो गया और नाराजगी की हर हदों को पार करते हुए उसने अपने पिता पर तेज धार हथियार से कई वार कर दिए। इस हमले में रामदेव मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। रहने से इस पे लगी हुई है, करीब 12 सेंटीमीटर लंबा है, बोन डीप है और एक चोट लगी है इसको पीछे जो है राइट एक्सपिल रीजन में जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, इससे भी छोटा वो भी बोन डीप है और राइट हैंड में लगा हुआ है इसके जो है वो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि उसका लड़का फेविक क्विक से भी जोड़ने का प्रयास किया, तो क्या ऐसे कुछ निशान पाए गए हैं क्या कुछ जोड़ने के? नहीं, जोड़ने के लिए ऐसे कुछ नहीं है, यह कि इनसे जोड़ने है धारदार हथियार से हमला किया गया। क्या स्थिति है अभी सब? अभी तो पेशेंट फिलहाल कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है जो है, अभी तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, मतलब खतरे की कोई अभी अभी तो नहीं है। वही जब रामदेव मिश्रा की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल रामदेव मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। ये हमारे ग्राम सभा की घटना है, भाई साहब टोला है, शाम को लगभग 4 बजे इन पे हमला हुआ। अब जहाँ तक उम्मीद है इनके लड़के ने ही किया है। हाँ। बाहर से दरवाजा बंद था जी। और ये किसी तरीके दरवाजे के पास पहुँचे और दरवाजे को पीट रहे थे। गाँव की एक औरत ने सुना तो फिर फोन किया, हम लोग पहुँचे, ताला तोड़वाए, इनको बाहर निकलवाए और लेके बस्ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। क्या स्थिति है अब इनकी? अब स्थिति तो अभी गंभीर बनी हुई है, दवा हो रही है, चोटें काफी आई हैं। हद तो तब हो गई जब बेटे ने अपने किए की करतूत फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश कर दी। इसका खुलासा तब हुआ जब SP ने मामले की गहनता से जाँच की। SP संकल्प शर्मा ने बताया कि घटना के बाद बेटे ने खून से लथपथ रामदेव को गले पर फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, पिता की आवाज को दबाने के लिए उसने टीवी की आवाज भी तेज कर दी। जब उसने मामला बिगड़ता और दर्द से पिता को कराहता देखा तो मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंची और जो विक्टिम है उनकी उम्र लगभग 70-70 ईयर्स के लगभग बताई जा रही है और प्रिलिमिनरीली जो इंक्वायरी में चीज़ें आई हैं वो ये है कि उनकी अपने बेटे से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ था और इसी लड़ाई झगड़े में उनकी गर्दन पर और हाथ पर चाकू से कुछ चोटें आई हैं। फिलहाल जो विक्टिम है वो सेफ है और हॉस्पिटल में एडमिट है और बाकी इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही जो है गिरफ्तारी एक्यूज्ड की हम लोग कर लेंगे जी। अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से ये घटना 2 दिन पहले की है, मगर किसी को इस बात की जानकारी नहीं हुई। इस पड़ोस के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। बहरहाल, बुढ़ापे में सहारा माने जाने वाले बेटे की इस करतूत से पिता को गहरा सदमा लगा है। हर माँ बाप अपने बेटे को इस उम्र के पढ़ाव के लिए पालता और पोसता है, लेकिन कलयुगी बेटे के कारनामे ने पिता और बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपी बेटी की तलाश में जुट गई है। इंडिया न्यूज के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे तमाम आपराधिक वारदातें जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कानून व्यवस्था पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावधान यूपी में अब हम बात करेंगे बुलंदशहर की।
यूपी की सड़कों पर दौड़ रही नकली रोडवेज बस जो हूबहू उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस की तरह दिखती है, जिसे सरकारी बस समझकर सवारी चढ़ तो जाती है लेकिन वो अनजान होती है उस अनहोनी से जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में नकल का कारोबार इतना बढ़ गया है कि अब यहाँ सड़कों पर नकली रोडवेज बसें भी धड़ल्ले से दौड़ती दिखाई दे रही हैं। हम आपको अब वो बस दिखाने जा रहे हैं जो हूबहू उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की रोडवेज बस की तरह दिखती है। बस को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये बस रोडवेज बस है या फिर कोई डग्गा मार बस। बस पर यूपी परिवहन विभाग की तरह ही लिखा हुआ है, जिस पर सवारियों की जल्दी से नजर नहीं जाती। सरकारी बस की तरह दिखने वाली ये नकली बस राजस्व को चूना लगाने के लिए तैयार की गई है। इस डिपो में ये जो धक्का मार गाड़ियां जो चल रही हैं, इससे हमको काफी क्षति पहुंच रही है। हमारा लोड फैक्टर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, हमको इसका जवाब देना पड़ता है। और ये जितने भी धक्का मार वाहन हैं, इसके जो चालक जो होते हैं, ये उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं, सवारियों को उनको नुकसान होता है। और हमारी जो गाड़ियां हैं, इनमें सवारी बैठने के बावजूद उनका बीमा स्वतः टिकट कटने के तुरंत बाद ही हो जाता है, और इससे हमको काफ़ी क्षति पहुंच रही है, और प्रशासन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये वो तस्वीर है जो कमाई के लिए सरकारी विभाग को खुलेआम सड़कों पर ठेंगा दिखा रही है। ऐसा ही कुछ इन दिनों बुलंदशहर में हो रहा है, जहां इन बहरूपिया बसों का कारोबार अच्छे से फल फूल रहा है। NH 91 पर दौड़ती इन बसों को आप गौर से देखिए। इन बसों को चलने और बनाने वालों के दिमाग की भी दाद देनी होगी। बस पर दिखने वाला लोगो उत्तर प्रदेश परिवहन की तरह लगता है। लेकिन असल में उत्तर प्रदेश परिवार लिखा हुआ है, ताकि सरकारी बस की तरह दिखने वाली इस बस पर सवारी बिना किसी डर से झट से चढ़ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे निगम को बहुत बड़ी क्षति कर रहे हैं। जो सवारियां हमको मिलनी चाहिए वो लेके जा रहे हैं, जिससे निगम को बहुत मतलब उसकी लोड फैक्टर मतलब डाउन हो रहा है, उसका निगम को फायदा की बजाय क्षति हो रही है। ये डग्गा मार के वजह से सरकार शासन प्रशासन की ढिलाई की वजह से है, जिसका फायदा ये उठा रहे हैं, चल रहे हैं। अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो ये शायद बंद हो जाए, तो निगम को और फायदा हो। आपकी भी सीटिंग नहीं जाती होगी बस, तो आपको भी डांट पड़ जाती है। हमारा हमें जवाब देना होना पड़ता है, हमारी अगर लोड फैक्टर डाउन रहता है तो यहाँ कटौती। उनके ड्राइवर सीखे अपना चला रहे हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं गई है। सवारियों की जान से खेलना है उन्हें, कि सवारी कुछ भी हो, और हमारे ड्राइवर मतलब ट्रेनिंगदार होते हैं, ट्रेनिंग करके तब आते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार बस चलाना है, जो सवारी से सेफ जाए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से बीमा की भी शायद सुविधा है, सवारी 5 लाख शायद 5 लाख की है बीमा सुविधा। और वो लोग जो कर रहे हैं फिर जिंदगी से खिलवाड़, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है सवारियों के साथ। बस में चढ़ने के बाद अब सवारियों का बस ड्राइवर और कंडक्टर के हाथ होता है, मनमाना किराया वसूला जाता है, और देने में जरा सी आनाकानी तो सीधे बस से उतार दिया जाता है, वो भी आधे रास्ते में। साथ ही रोडवेज बस से आगे निकलने की होड़ में ये बस किसी बड़े हादसे को भी सड़कों पर खुलेआम न्योता देती हुई चलती है। लेकिन विभाग इस पर कार्रवाई करने से बचता दिखाई देता है, पर कार्रवाई करने की बात से इनकार भी नहीं करता। अभी हमारे नवनियुक्त चेयरमैन साहब, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जो वर्तमान में प्रदेश के परिवहन आयुक्त भी हैं, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। और जो जनपद की सड़कों पर ऐसी बसें चल रही हैं जिन्होंने फर्जी रूप से परिवहन निगम की बसों का कलर स्कीम ले रखी है, उनके विरुद्ध सर्वे कराकर कार्रवाई कराना प्रारंभ कर दिया। जितने भी जनपदों में से ये बसें निकलती हैं, वो सभी जनपद के
प्रवर्तन अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो भी जनपद इन पे कार्रवाई करेगा वह कार्रवाई करने में सक्षम है। जैसे अभी वर्तमान में ही आयुक्त महोदय और अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर हमारे ARM बुलंदशहर और ARTO बुलंदशहर द्वारा इस प्रकार की 3 बसों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें FIR कराकर बंद कराया गया है। तो यह कहना कि कौन सा जिला उत्तरदायी है यह स्पष्ट नहीं है, कार्रवाई करवाना रोक लगाना ज़्यादा जरूरी है। जो शिक्षित जनता है वह तो इस बात को जानती है कि कौन सी बस परिवहन निगम की है और कौन सी किसी फ्रॉड की है, लेकिन अशिक्षित जनता गलती से इन बसों में बैठ जाती है, सरकार को राजस्व की हानि होती है, परिवहन निगम की बस में बैठा हुआ व्यक्ति बीमे से बीमित होता है जो दुर्घटना की दशा में उसे मिलता है, चालक परिचालकों का अपराधीकरण नहीं होता, वो निगम के कर्मचारी होते हैं, सुरक्षा बनी रहती है। इन बसों में इस तरह का कोई भी सुविधा यात्री को नहीं मिलती है। निश्चित रूप से ये राजस्व और जनता दोनों के लिए बहुत ही दुखदायी है। प्रदेश में योगी राज में बदमाशों के हौसले तो पस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन न इन अधिकारियों का रवैया बदला है और न जान से खिलवाड़ करने वाले इन डग्गामार बसों के अंदर प्रशासन का भय है। भय है तो सिर्फ उस भोली भाली जनता में जो भविष्य में अपने साथ होने वाले हादसे से अनजान बेफिक्र अपनी मंजिल पर पहुंचने की जुगत में इन बसों पर सवार होकर चल देती है। बात कार्रवाई की करे तो ये तो बात की बात है कि प्रशासन का डंडा इन पर कब चलता है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है क्योंकि घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। सावधान यूपी में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे प्रदेश की तमाम आपराधिक वारदातों पर अपनी रिपोर्ट के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।